बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। आप देख रहे हैं मुझे, श्रुति द्विवेदी को। बहुत समय बाद आई हूं मैं आपके लिए और स्पेशल एपिसोड्स लेकर आऊंगी मैं तंत्र मंत्र विज्ञान पे, जिसमें मैं बताऊंगी आपको कई ऐसे उपाय, मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ूंगी, जो कि आपको आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी देंगे। ऐसे साधकों के लिए भी उपाय जो कि जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं और साधना के मार्ग पर जाना चाहते हैं। मुझे प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दर्शकों। सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन के महीने में क्यों चढ़ाई जाती है शिव जी को भस्म, भस्म आरती का क्या है महत्व, चलिए जानते हैं इससे जुड़ी हुई खास बात। हम सब जानते हैं कि जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ था और सती का अपमान हुआ था, तब सती ने चिता अग्नि में कूद के अपने आप को भस्म कर लिया था, अपने क्रोधाग्नि द्वारा भी भस्म किया था। ऐसे समय पर महादेव ने जलती हुई सती को लेकर संपूर्ण संसार में तांडव रचा था। फिर विष्णु जी के जो चक्र है उसके द्वारा, सुदर्शन चक्र द्वारा सती के विभिन्न अंग करे गए, क्योंकि सृष्टि जो है वो प्रलय में आ गई थी, और इस प्रकार से 51 शक्ति पीठों की रचना हुई। पर जो भस्म थी वो महादेव के अपने शरीर पे लग गए, तो वो उसे माना जाता है शिव का संपूर्ण श्रृंगार। उसे माना जाता है कि हम सती के स्वरूप में शिव को सती अर्पित कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये एक रहस्य हुआ। अब मैं बताती हूं दूसरा रहस्य क्या है। हिंदू धर्म में सन्यासियों में एक ऐसी प्रथा है नागा सन्यासियों के, जो कि दिगंबर रहते हैं, यानी कि उनका शरीर ही उनका चूल्हा है और उसी पर वो भभूत लगाते हैं। तो जो भभूत लगाते हैं वो दिगंबर साधु जो होते हैं वो भस्म या भभूत लगाते हैं और वो ही उनका वस्त्र और श्रृंगार होता है। कहते हैं कि भस्म का स्नान करते ही कई तरीके के चमत्कारिक फायदे होते हैं जो साधुत्व में आ गए हैं। नवनाथ पंथ में, नवनाथ कौन थे, जैसे गोरक्षनाथ, जैसे मत्स्येंद्रनाथ, हमने इन सब के बारे में पढ़ा है और मेरे एपिसोड्स में नवनाथ पे, और शाबर मंत्रों के जो है वो उसमें नवनाथ परंपरा जो है वो बहुत मान्यता रखती है। नवनाथ कहते हैं, पंथ में कहते हैं कि उल्टन विभूत पलटन काया, जैसे कि विभूत उलटते साथ ही काया पलट हो जाती है, विभूत काया को शुद्ध कर देती है और तेजस्वी बनाती है। चढ़ी विभूत घट हुआ निर्मल, अर्थात भभूत मन की मलिनता को जो है नष्ट करने का, निर्मल करने का प्रयास करती है और पवित्र करती चली जाती है। किसी भी सांसारिक चीज जो है उसका अंतिम स्वरूप जो होता है वो भभूत होता है। चाहे आप मिट्टी का घड़ा देख लें, उसको जला लें तो वो भी अंत में भभूत ही बन जाएगा, लकड़ी जला लें वो भी भभूत ही बन जाएगा। तो इसी कारण भस्म का श्रृंगार महादेव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप सावन में, हर दिन सावन के हर दिन महादेव का होता है, वो तो महाकाल है, कालों के काल है, कोई काल से परे है महादेव की पूजा। तो अगर कोई कहता है कि इस समय नहीं, इस समय करें, तो ऐसा नहीं है। हर समय महादेव की पूजा कर सकते हैं, अपने सांसों की माला में महादेव की पूजा कर सकते हैं। आप करते रहिएगा और भस्म श्रृंगार जरूर चढ़ाइएगा। जो लोग जाके नहीं चढ़ा सकते, भस्मी मिलती है मार्केट में, भस्मी अगर नहीं चढ़ा सकते हैं तो मानसिक रूप से जहां आप बैठे हैं वहां भी ध्यान करते हुए चढ़ाएंगे, उसका भी एक अलग महत्व होता है। मानस पूजा पर लेकर आऊंगी आपके लिए खास बातें, देखते रहिएगा एस्ट्रो तक। और ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, लेती हूँ आपसे विदा। आपका दिन बहुत शुभ हो, अपना अपने परिवार वालों का खूब खूब ख्याल रखिएगा।